तो फाइनली आज हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके लिए मेरे पास आप सभी के सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं, सबसे ज्यादा लोग कॉल इसी चीज के लिए करते हैं, इवन यहां तक कि पर्सनली मिलकर के सबसे ज्यादा लोगों ने यही बोला है कि सर एक वीडियो मास्कॉम के ऊपर बना दीजिए। तो यार देखो, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, आज वीडियो आ गई है, अब इस पर प्यार देना आपका काम है। नमस्कार, मैं हूँ स्वराज श्रीवास्तव और आज स्टूडियो में हम बात करेंगे कि आप में से जो भी लोग जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, वो कैसे इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पीछे यार कहीं रामायण वगैरह हो रहा है तो उसकी अगर आवाज आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, उसको इग्नोर कर देना। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको दो टर्म समझने पड़ेंगे। एक होता है मास्कॉम, जिसे मास कम्युनिकेशन वैसे तो कहते हैं लेकिन हम लोग मास्कॉम कहते हैं उसको, और दूसरा होता है जर्नलिज्म। अब इनकी डिफिनेशन मैं आपको यहां नहीं बताने वाला, वो आप गूगल करेंगे तो आपको डिफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन उसे जानने की आपको जरूरत है नहीं, तो मैं वो बताने भी नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो कि आपके लिए जरूरी है। और देखो यार, मेरे को पता है कि जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो, आपने 12वीं अभी पास की है या फिर ग्रेजुएशन किया है और आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में बहुत ज्यादा, तो बहुत सी चीजें आपको नहीं मिलती है, आप कंफ्यूज होते हो कि किससे पूछूं, किससे बताऊं, किससे जानकारी लूं, किससे इंफॉर्मेशन लूं। तो मैं इस चीज की गारंटी आपको दे सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सबसे बड़े ज्ञानी बन जाओगे इस फील्ड के। अगर आप चाहो तो आप चार लोगों को बता भी सकते हो, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। तो ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखना, मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जो लोग 2x पे देखते हो ना फास्ट फॉरवर्ड करके, उनको बता रहा हूं 1x पे देखना, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, आपको जो जॉब रोल्स होते हैं इस फील्ड में वो तीन स्टेप्स में हम लेकर के चलेंगे। पहला ये है कि जॉब रोल्स आपको समझना जरूरी है। तो जॉब रोल यानी कि एज अ जर्नलिस्ट आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो यहां पर बेसिकली तो तीन ही चीजें होती हैं। एक तो न्यूज एंकर होता है, न्यूज रीडर, जो आपने देखा होगा जो टीवी पर न्यूज बैठ करके पढ़ रहे होते हैं। दूसरा होता है रिपोर्टर, यानी कि वो जो न्यूज भेजता है, आपने देखा होगा कई बार वो कहते हैं कि हमारे रिपोर्टर यहां पर मौजूद हैं, तो उस तरीके के जो लोग होते हैं उन्हें रिपोर्टर कहते हैं। और तीसरा होता है वीडियो जर्नलिस्ट। यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि वीडियो जर्नलिस्ट को कुछ लोग कहते हैं कैमरामैन, कुछ लोग कहते हैं कैमरा पर्सन, पर ये एक सही तरीका नहीं है किसी को भी पॉइंट आउट करने का, किसी को भी बोलने का, क्योंकि आपने भी जो कोर्स किया है वो वही सेम कोर्स उन्होंने भी किया होता है, बस उन्हें कैमरे से प्यार होता है तो वो कैमरा चूज करते हैं और आप कैमरे के सामने रहना चूज करते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। इसलिए किसी को भी कैमरा पर्सन कहना या कैमरा मैन कहना मेरे हिसाब से नहीं सही है, बाकी आप अपना देख लेना। उन्हें वीडियो जर्नलिस्ट कहते हैं, जो एक रियल टर्म होता है किसी को बुलाने का, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बेसिकली यही तीन होते हैं, न्यूज एंकर, रिपोर्टर और वीडियो जर्नलिस्ट। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीजें होती है, जैसे पीसीआर का काम होता है या फिर न्यूज डेस्क का काम होता है, इनपुट आउटपुट हेड होता है, तो ऐसी कई सी सारी चीजें होती हैं। लेकिन बेसिकली सिर्फ ये तीन ही ऐसे होते हैं जिनको आप एज अ जर्नलिस्ट आप कंसीडर कर सकते हैं, एज अ जर्नलिस्ट आप जहां पर काम कर सकते हैं। बाकी चीजें जो होती हैं वो अलग अलग स्टेज पे होती हैं, वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे जब इस फील्ड में घुसेंगे तो। ओके, तो अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जर्नलिस्ट बनने के लिए, यानी कि अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए बेसिकली तीन तरीके के कोर्सेज हैं। सबसे पहला एक तो अंडर ग्रेजुएशन होता है, यूजी, जो कि आप इंटर के बाद करते हैं, अगर आपने इंटर पास आउट किया, 12th किया हुआ है तो आप यूजी कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है पीजी, पीजी यानी कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप पीजी कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। और थर्ड होता है पीजी डिप्लोमा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो ये तीन ही होते हैं बेसिकली। अब अंडर ग्रेजुएशन में क्या क्या आता है वो जान लीजिए। अंडर ग्रेजुएशन में आपका होता है बीए और बीएससी, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन बीए बीएससी में यहां पर थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं उनसे। आप जो कोर्स कर रहे होते हैं जर्नलिज्म के लिए वो बीए ऑनर्स होता है, और बीए ऑनर्स आपका वो कुछ फील्ड्स में बटा हुआ होता है, जैसे कि बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म, या फिर बीए ऑनर्स इन मास मीडिया, या फिर बीए ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन, या फिर बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसको हम बीजेएमसी भी कहते हैं। तो ये होती है इनके कोर्सेज। इसके अलावा जो बीएससी होता है वो भी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, तो अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं ये वो कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास आउट किया हुआ है। इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी का जो कोर्स है उसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का होता है, यानी एमए इन जर्नलिज्म, एमए इन मास मीडिया, एमए इन मास कॉम, एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी कि जिसको एमजेएमसी भी कहते हैं, या फिर एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। तो बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह होता है, लेकिन पीजी का बस यही होता है कि पीजी वही लोग कर सकते हैं जिनके पास अंडर ग्रेजुएशन की पहले से डिग्री है। तो अगर आप बहुत यंग हैं, 12th आपने अभी जस्ट पास आउट किया है, बहुत इंटरेस्ट है आपका इस फील्ड में, तो आप यूजी करिए। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप पीजी करिए, बहुत ही सिंपल है।
इसके अलावा जो थर्ड होता है वो होता है पीजी डिप्लोमा। अब पीजी डिप्लोमा का बहुत मैं अगर शॉर्ट में बताऊं आपको आसान भाषा में, तो आप इस तरीके से उसको कंसीडर कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक फील्ड में आपको वहां पर ट्रेन किया जाता है, जैसे कि पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, तो इस तरीके का होता है, वो एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए होता है। तो ये भी वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने या तो अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये वो लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए, और अगर बेसिकली अगर आप नए हैं तो आप, मैं कंसीडर करूंगा आपको, मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन पे ही ध्यान दीजिए फिलहाल, और अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे ध्यान दीजिए। और जो चौथा होता है, जिसको मैंने पॉइंट आउट नहीं किया था शुरुआत में, लेकिन चौथा एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स। ये 6 महीने का बेसिकली होता है। इसमें आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आपको ट्रेन किया जाता है, जैसे कि आप एंकरिंग में कर सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स, इस तरह के कोर्सेज होते हैं। तो ये कोर्सेज का स्ट्रक्चर है, हर कॉलेज में अपने अलग अलग कोर्स हैं, जैसे कि दिल्ली में जो कॉलेज है उसमें आपको मास मीडिया मिल जाएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको मास मीडिया मिल जाएगा। तो सारे कॉलेजेस के अलग अलग कोर्स हैं, पर बेसिकली सभी का मतलब यही होता है कि आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, बस एक सिंपल। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है इनिशियल स्टेज में बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई यार इतने सारे कोर्स है, कौन से कोर्स करूं, कौन सा ना करूं, पता नहीं कौन सा किस फील्ड का है। तो ये बताना जरूरी था कि सारे कोर्सेज सेम ही होते हैं, आपको जो कोर्स अच्छा लगे आप वो चुन सकते हैं, उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अब आता है तीसरा पॉइंट, यानी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि जर्नलिज्म के कोर्सेज अवेलेबल कराती है। देखिए यहां पर एक चीज यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंडिया में बहुत ऐसी कम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यूजी कराती हैं। पीजी बहुत से ज्यादा यूनिवर्सिटी कराती है, लेकिन यूजी कराने वाली यूनिवर्सिटी बहुत कम है। यहां मैं प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ करके बात कर रहा हूं, यहां पे टर्म कंडीशन अलाउड है, वो स्टार लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि प्राइवेट कॉलेजेस को मैं छोड़ के बात कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं या फिर एडेड कॉलेजेस की। तो वहां पर बहुत ऐसे कम कॉलेज है जो कि यूजी अवेलेबल करा सकते हैं, ज्यादातर कॉलेज में पीजी ही होता है। तो यहां पर जर्नलिज्म के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है या फिर सबसे ज्यादा फेमस जो कॉलेज है वो है IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये आपका दिल्ली में है और यहां पर जो कोर्स है वो पीजी डिप्लोमा है, यानी कि ये कोर्स आप वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पीजी या तो किया हुआ है या फिर अंडर ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी कि यूजी किया हुआ है। इसके बाद ये नंबर वन कॉलेज है, ऐसा मैं कह सकता हूँ पूरे इंडिया का। जिसको भी आप पूछेंगे, अगर वो जर्नलिस्ट बनना चाहता होगा, उसे पूछेंगे ड्रीम कॉलेज कौन सा है, तो वो सीधे बोलेगा IIMC। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो ये नाम याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा कॉलेज जो है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये आपका दिल्ली में है। इसके दो तरीके के सेंटर हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वहां पर हिंदी का जो डिपार्टमेंट है उसमें बीए मास मीडिया इन हिंदी होता है, और जो इनका AJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर है वहां से ये पीजी भी कराते हैं। तो ये दो कॉलेज आपके वहां हो गए। फिर DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको IP यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, तो वहां पर भी BJMC का कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि BHU में है जो कि PG कराता है, फिर काशी विद्यापीठ में है वो UG कराते हैं, इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA मास मीडिया है, और कई ऐसे कोर्सेज हैं। तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सारे कॉलेजेस के बारे में पता चल जाए। और यहां पर मुंबई में भी दो कॉलेज है, सेंट जेवियर कॉलेज है और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है। तो सारे कॉलेजेस की लिस्ट मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा बना करके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपका कोई भी अभी भी कोई सवाल रह गया, तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके नाम के साथ मैं बताऊं उस सवाल का आपको जवाब, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए इस फील्ड को लेकर के। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो यार बस इतना काम कर देना कि लाइक कर देना, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई आपके लिए बहुत रिसर्च करने के बाद, तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जैसा कि बता दिया लिख दीजिएगा कि आपका क्या सजेशन है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए मैं कह रहा हूं आपके लिए कि यहां पर बहुत सारी ऐसी अभी वीडियोस आनी बाकी हैं मास कम्युनिकेशन के ऊपर, तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो घंटी वाला बटन होता है उसको ऑन जरूर कर दीजिएगा। और कभी भी मेरी भी कोई भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो के मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपना नंबर आप ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल मैं कॉल बैक आपको करूंगा। तो चलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही, लव यू, टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद।